दोस्तों नमस्कार। आज एक छोटा सा वीडियो और लेके तैयार हूँ मैं, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन। देखिए पशुपालन में एक वैज्ञानिक का नाम है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ये फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के जनक है भारत में, और इन्होंने ऐसा काम किया कि भारत दूध उत्पादन में दुनिया का पहले नंबर का देश बन गया। ठीक है, तो ये वर्गीस कुरियन आज जो इनका सेटअप था पूरा गुजरात आनंद में था और वहाँ पे एक डेयरी स्थापित की थी। ठीक है, अगर सवाल पूछे आपको क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है, तो वो वर्गीस कुरियन है। कौन है? वर्गीस कुरियन। उसके बाद एक नेक्स्ट नाम और आता है बंदा वासुदेव राव। बंदा वासुदेव राव इनको फादर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया, बंदा वासुदेव राव। ठीक है, उसके बाद देखो दो तीन नाम है यहाँ पे, ये बायोलॉजिकल ये जूलॉजिकल नाम है इनके। गाय का बोस इंडिकस, भैंस का है बुबेलस बुबेलिश, बकरी का है कापरा कापरा, सुअर का है सस सैक्रोपा सस सैक्रोफा। ठीक है, अगर सुअर की देखभाल या व्यवस्था करने जो व्यवस्था की जाए तो उसको उस व्यवस्था करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? पिगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिगरी बोलते हैं, याद रखना इसको। क्या बोलेंगे? पिगरी बोलते हैं। देखभाल करना और देखभाल करने की जो पूरा सेटअप बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उसको पिगरी बोलते हैं। और सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पॉर्क कहते हैं। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पॉर्क कहते हैं। ठीक है, और बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ, ये मटन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मटन बोलते हैं। और गाय और भैंस के मांस को क्या बोलेंगे? बीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं, याद रखना इसको। अच्छे किस्म की, उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो थोड़ी बहुत चीजें रखी है मैंने, बकरी जो कापरा कापरा और भेड़ होती है, जो अच्छे किस्म की कोमल ऊन होती है वो पश्मीना बकरी से मिलती है। और ये कहाँ मिलती है? कश्मीर और तिब्बत में मिलती है बकरी। कहाँ पाई जाती है इनकी खेती, इनको कहाँ पाला जाता है? तिब्बत और कश्मीर में पाला जाता है। और ये बहुत ही जो उच्च क्वालिटी की हाई क्वालिटी की जो ऊन होती है और उनसे अपनी शॉल वगैरह बनाते हैं वो पश्मीना भेड़ से प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अपन जो संकर यानी हाइब्रिड कुछ जानवर प्राप्त करते हैं जिसमें क्रॉस किया जाता है, एक नाम आता है हनी। क्या नाम आता है? हनी। ये मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी यानी गधे से क्रॉस करने पर ये हनी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हनी, जो कि बहुत मजबूत होता है, बिल्कुल अनुशासित जानवर होता है। और मूल अगर कहें, मूल को बोलते हैं खच्चर। क्या बोलते हैं? खच्चर बोलते हैं। इसमें फीमेल हॉर्स काम में आता है और मेल डोंकी काम में आता है, जिससे खच्चर मिलता है। क्या मिलता है? खच्चर मिलता है। और ये भी बहुत मजबूत होता है और बहुत ही हार्ड वर्कर होता है और ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और देखिए जो पोल्ट्री है जिसमें अपन क्या कहते हैं मुर्गी पालन होता है, पोल्ट्री क्यों की जाती है? क्योंकि उसमें अपन को भोजन के अवयव जो प्रोटीन वसा होते हैं वो पाया जाता है। और पोल्ट्री में कौन कौन से किस किस का पालन होता है? मुर्गी का होता है, बत्तख का, और एक टर्की पक्षी होता है उसका होता है। ये सब पालन को पोल्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्ट्री कहते हैं। ठीक है, आगे इसका देखिए एक वर्ड लिखा है ब्रॉयलर्स। क्या? ब्रॉयलर्स, ब्रॉयलर्स। ये क्या होता है? जब पोल्ट्री के पोल्ट्री की व्यवस्था केवल मांस के लिए करते हैं, पोल्ट्री की व्यवस्था यानी पोल्ट्री जब किसके लिए की जाती है? केवल मांस के लिए की जाती है, तो इसको ब्रॉयलर्स बोलते हैं। ठीक है, और पोल्ट्री अगर मुख्यतः अंडों के लिए की जाती है तो इसको लेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेयर्स बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रानीखेत रोग किस जो पालन में होता है, किस पालन में? ये एनिमल हस्बेंड्री में होता है। तो रानीखेत रोग जो होता है मुर्गियों में होता है। किस में होता है? मुर्गियों में होता है। ठीक है, और ये जो होता है वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। इस सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के या रेलवे के या बड़े एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जा चुका है कि रानीखेत रोग किससे संबंधित है? पोल्ट्री में है, और ये मुर्गी पालन में होता है, मुर्गियों में रोग होता है। ठीक है, और वायरस जनित रोग है, इसको याद रखना। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखिए मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलेंगे अपन इसको? एपिकल्चर, याद रखना। और इसको आम बोलचाल की भाषा में मौन पालन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौन पालन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौन पालन भी बोलते हैं।
और ये एक मधुमक्खी है जिसका नाम है एपिस डोरसाटा, डोरसाटा, एपिस डोरसाटा। ये पहाड़ी होती है और इसको गुस्सा बहुत आता है, और मैक्सिमम जो शहद है, हनी है, वो इसी जो मधुमक्खी से मिलता है। और इस मधुमक्खी का जो लार्वा होता है वो क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है, याद रखना इसको। मधुमक्खी की लार्वा अवस्था पूछी जाती है सब जानवरों की, जो मैन जिसमें लार्वा अवस्था पाया जाता है, जैसे मेंढक के लार्वा क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। क्या कहलाता है, टेडपोल कहलाता है। इसी प्रकार आपका मधुमक्खी का लार्वा क्या कहलाएगा, मधु मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है, ठीक है। मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। जो घरेलू मक्खी है उसका लार्वा को बोलते हैं मेगट बोलते हैं। इसी प्रकार का अगर ये सवाल बनता है कि मधुमक्खी की लार्वा क्या बोलते हैं, तो गर्भ बोलते हैं, ठीक है। और ये मधुमक्खी क्या करती है, इसमें लेबर का विभाजन, शर्म का विभाजन होता है। एक मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां रहती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की रहती है। एक तो रानी मक्खी रहती है, ठीक है। दूसरा रहता है, दूसरा कौन रहता है, नर ड्रोन रहता है, नर ड्रोन रहता है। और तीसरी रहती है श्रमिक मक्खी रहती है। कौन सी रहती है, श्रमिक मक्खी रहती है। रानी मक्खी केवल जनन के लिए काम आती है, ठीक है। और ड्रोन होता है जो दूसरे मधुमक्खी को जो प्रोडक्शन में काम आता है। और श्रमिक मक्खी क्या करती है, श्रमिक मक्खी करती है जो लेबर करती है, यही जो रानी मक्खी के लिए, ड्रोन के लिए भोजन की व्यवस्था करती है, रहने की व्यवस्था करती है। और ये हवा में जा करके, दूर जाकर पेड़ पौधे, जो पौधे होते हैं, फसल होती है, वहाँ से मकरंद लेके आती है, उनसे भोजन बनाती है, ये सब कुछ काम कौन करती है। और ये एक छत्ते में लेकर 40,000 से लेकर के 50,000 तक मधुमक्खियाँ होती है। कितनी होती है, 40 से 50 हज़ार तक श्रमिक मक्खियाँ होती है। ये शर्म विभाजन पाया जाता है किसमें, मधुमक्खी पालन में, ठीक है। ये देखिए जो मधुमक्खी शर्म मक्खी होती है वो क्या करती है, फूलों के मकरंद को, फूल जो एक पौधे पर फूल लगता है उसके मकरंद को, जो एक रस होता है उसको लेके आती है, और ये ला करके उस छत्ते में डालती है, और उसको फिर जो अपने पंखों से हवा से उसको पानी उड़ा देती है, और जो शहद बनता है वो हनी के लिए अपने काम आता है। और शहद का जो पीएच होता है वो हल्का अम्लीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा भी जा चुका कि शहद का पीएच कितना होता है, तो आपको याद रखना है ये हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है, लाइट एसिडिक होता है, ठीक है। मतलब क्या, 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है, 6.8 या 6.5 ऐसे होता है। तो अगर आपको पूछे ये ऑप्शन आए तो उसमें याद रखना, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे कॉल्ड वॉन फिश, कॉल्ड वॉन फिश, जो उन्होंने मधुमक्खी के उड़ने की प्रक्रिया को, नर्तकी को उन्होंने समझाया था, नर्तकी को उन्होंने समझाया था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो आपकी फसल या मकरंद जो है उसका भोजन कितना दूरी पर है, उसी के अकॉर्डिंग ये मधुमक्खियाँ डांस करती है। अगर भोजन 75 मीटर से कम दूरी पर है तो ये क्या करेगी, आपके राउंड राउंड करके, गोल नृत्य करके उसके पास जाएगी और वापस लेके आएगी। और अगर भोजन 75 मीटर से ज्यादा दूरी पर है तो वो अपनी पूंछ को हिलाते हुए सीधी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये सब प्रक्रिया किसने बनाई, बताई थी, कॉर्ड वॉन्ट फिश ने बताई थी, और इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मधुमक्खी पालन में शहद तो मिलता ही मिलता है, साथ में एक मोम भी मिलता है। क्या मिलता है, मोम वैक्स मिलता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। इसके बाद में आपका है मत्स्य पालन या पीसी कल्चर। क्या, मछली पालन या पीसी कल्चर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, नाम बड़ा अटपटा होता है, याद रखना इसको, क्या कहेंगे, पीसी कल्चर कहेंगे। किसे कहते हैं, ये मछली पालन को, ठीक है। और मछली का जो अपन मछली खाते हैं या मछली का तेल जो होता है उसमें विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और मछली पालन के पीसी कल्चर के लिए ICAR में और भारत में बहुत 2-3 इंस्टीट्यूट के नाम लिखे, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन मेन ये है आपका। देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ये आपका सिफरी बैरकपुर में है। किसमें है, सिफरी बैरकपुर में है। और इसका जो पूरा नाम है आपका मैं बताता हूं, चलो पूरा नाम मैं जो कमेंट्स में लिख दूंगा। उसके बाद में ये CMFRI कोचीन में है, और सीफा
भुवनेश्वर में, शिफा भुवनेश्वर में, ठीक है, ये नाम याद रखना आप इसका, क्योंकि कभी कभी पूछा भी जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपका सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। और सबसे पहले रेशम कीट पालन की खोज कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी, चीन में हुई थी, बहुत साल पहले हुई थी, बहुत पुराने जमाने में भी रेशम कीट पालन होना स्टार्ट हो गया था। भारत में जो रेशम कीट का उत्पादन होता है वो किस में होता है, मैसूर कर्नाटक में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो रेशम कीट होता है वो क्या होता है, मेनली प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। अगर ये सवाल बनता है आपको, देखिए भारत में रेशम उत्पादन कहाँ पे होता है, मैसूर कर्नाटक में होता है। और रेशम कीट का जो अपरिपक्व लार्वा होता है उसको इंस्टार कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टार कहते हैं। और ये कोकून यानी कोया बनाता है, ये कोया ही अपने चारों ओर रेशम का धागा स्त्राव करता है रेशम ग्रंथियों से, और काफी दो थोड़ा दिन के बाद में जो परिपक्व वो लार्वा अवस्था हो जाती है उसको इमीगो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमीगो बोलते हैं। ये रेशम कीट के मेन मेन पॉइंट है आपके। और रेशम कीट पर एक रोग हो जाता है उसको पेब्राइन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेब्राइन कहते हैं। और ये 900 में बॉम्बेसिस से होता है, ये एक प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोन है, ठीक है, ये प्रोटोजोन का एक जीव है और ये इसी पर परजीवी रहता है। और ये रेशम कीट पर क्या रोग करता है, ये पेब्राइन रोग करता है, नौसेमा बॉम्बिक्सिस रोग, ये जो जानवर है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका लाख उत्पादन, लाख एक क्या होता है, प्लास्टिक जैसी चीज होती है, और इसके लाख के जो जानवर होता है, जीव होता है, कीट होता है, उसको टेकार्डिया लेका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेकार्डिया लेका, देखो कार्डिया लेका। इस जीव से क्या होता है, ला का उत्पादन होता है, और ला क्या होता है, रेजिन है, क्या है ये, रेजिन है। और 75% ला विश्व में भारत में उत्पन्न होता है, 75% ला क्या होता है, इंडिया में होता है। और इंडिया में ही सबसे ज्यादा ला कहाँ होता है, झारखंड, जो कि महेंद्र सिंह धोनी का जो जिला राज्य है, ठीक है। और ला के कीट के लार्वा को क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं, क्या बोलेंगे, निम्फ, याद रखना, ला के कीट के लार्वा को क्या बोलेंगे, निम्फ कहा जाता है। और जो इस लाख के उत्पादन के लिए एक संस्थान है, एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये रांची झारखंड में है, रांची कहाँ है, झारखंड में। ये आपका एनिमल हस्बेंड्री का छोटा सा ब्रीफ वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, और मेरा जो ये नोट्स शायद मेरी वेबसाइट पर मैं डाल दूंगा, उस पर ध्यान से देख करके अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हो। धन्यवाद।